WWE की कुछ ऐसे मोमेंट्स जब रेसलर्स को पुलिस ने रिंग से ही अरेस्ट कर लिया, तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। गाइस, 2011 की हेल इन अ सेल पेपर व्यू में हमें देखने को मिला था एक ट्रिपल थ्रेट मैच WWE चैंपियनशिप के लिए। और गाइस, इस मैच में अल्बर्टो डेल रियो जीत हासिल किया, लेकिन तभी जॉन सीना रिंग में आके अल्बर्टो के ऊपर अटैक करना चालू किया। बट तभी हुआ एक शॉकिंग इंसिडेंट। फ्रेंड्स, तभी रिंग में आते हैं द मिस और ट्रूथ, जो कि काले कपड़े पहन के रिंग में आए थे। और रिंग में आते ही क्या तबाही मचाया, मतलब तीनों के तीनों सुपरस्टार को, यानी कि सीएम पंक, जॉन सीना और अल्बर्टो को एकदम धो डाला। बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक किया था। और कुछ देर बाद रिंग में आए ट्रिपल एच और उनके साथ आए सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस। और एट द एंड पुलिस ने मिस और ट्रूथ को अरेस्ट कर लिया। बट ट्रिपल एच भी चुप नहीं बैठे, क्योंकि उन्होंने भी द मिस के ऊपर अटैक किया था। फ्रेंड्स, WWE में आपकी फेवरेट फिनिशर कौन सा है, वुडमार रिंग्स के स्पीयर या फिर रैंडी ऑर्टन का आरकीओ, कमेंट में जरूर बताना। फ्रेंड्स, 2019 की मंडे नाइट रॉ की एक एपिसोड में ऑडियंस में से आए बेकी लिंच, और बेकी ने सीधे अटैक किया नटालिया के ऊपर, और इसके बाद टूट पड़ी उनके ओपोनेंट राउडी रोंडे राउजी के ऊपर। और उस एपिसोड में इन दोनों के बीच एक बहुत ही खतरनाक ब्रॉल देखने को मिला था। और जैसे ही मामला हाथ से निकल गया, तभी रिंग में आते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस, और फाइनली पुलिस ने बेकी लिंच को अरेस्ट कर लिया। फ्रेंड्स, 2014 में WWE के बैक स्टेज में से द शील्ड टीम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। फ्रेंड्स, 2019 की रॉकी एक एपिसोड में हुआ था बहुत ही खतरनाक फाइट तीनों सुपरस्टार के बीच, यानी कि राउडी रोंडा राउजी वर्सेस बेकी लिंच वर्सेस शार्लेट फ्लेयर, और कोई भी इनको रोक नहीं पाए। और इस खतरनाक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आए पुलिस, और पुलिस ने इन तीनों को ही अरेस्ट कर लिया और गाड़ी में डाल दिया। बट रोंडा राउजी इतने एग्रेसिव थे, लात मार मार के कार की खिड़की तोड़ दी। और गाइस, यही तक था आज का ये वीडियो। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।